नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के धौरहरा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जितिन प्रसाद के समर्थन में प्रियंका गांधी वारा ने रविवार को रोड शो किया। इस दौरान सड़कों पर लगे जाम की वजह से एक महिला की मौत हो गई। महिला को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था, जाम में फंसने की वजह से मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर एम्बुलेंस समय पर अस्पताल पहुंच जाती तो महिला की जान बचाई जा सकती थी। खबर के मुताबिक जिले के देहरा अजीतपुर की रहने वाली 62 वर्षा रामकली ने रविवार को सीने में तेज दर्द की शिकायत की थी। इसके बाद परिजन एम्बुलेंस मंगा कर रामकली को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जा रहे थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा का रोड शो होने की वजह से एम्बुलेंस तकरीबन एक घंटे तक जाम में फंसी रही। बाद में अस्पताल पहुंचने पर रामकली ने दम तोड़ दिया। गुस्साए परिजनों ने जाम को महिला की मौत का जिम्मेदार ठहराया। परिजन का कहना है कि अगर एम्बुलेंस समय पर अस्पताल पहुंच गया होता तो रामकली की जान बचाई जा सकती। बता दें कि लखीमपुर खीरी की धौरहरा लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी जितिन प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। प्रसाद के समर्थन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने रविवार को रोड शो किया था, जिसमें हजारों कांग्रेस और महादल के कार्यकर्ता शामिल हुए थे।